हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे होम रूल लीग के बारे में। सो होम रूल लीग बनी कब थी, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं। 1916 में बनी थी, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक टोटल 6 साल के लिए जेल में चले गए थे, मांडले जेल बर्मा में। सो जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं, देन ही ट्राइड सिक्योरिंग री एडमिशन ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट इन टू द INC। देखिए, हमने सूरत स्प्लिट पढ़ा था, 1907 में हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे। तो उस टाइम से मॉडरेट्स जो है वो INC का पार्ट थे और एक्सट्रीमिस्ट ने अपना काम सारा अलग कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये लोकमान्य तिलक बाहर आए और उन्होंने देखा कि सारा का सारा काम जो है, आइडियोलॉजी जो है वो वैक्यूम हो गई है, कोई लीडरशिप नहीं रही है, तो उन्होंने चाहा कि अब हमें एक्सट्रीमिस्ट को वापस जो है वो INC में, मतलब उनकी रीएडमिशन करवानी चाहिए, उनको वहाँ पे फिर से मिलना चाहिए INC के साथ, क्योंकि दो अलग अलग गुट बन गए थे, इससे काम तो कोई हो नहीं रहा था। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि अब एक्सट्रीमिस्ट को वापस रीएडमिशन दिलानी है INC में, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले तो दो होम रूल लीग्स बने। जो पहली थी वो थी इंडियन होम रूल लीग और जो दूसरी थी उसका नाम था होम रूल लीग। जो इंडियन होम रूल लीग थी, ठीक है, इसके हेड कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, या आप कह सकते हैं स्टार्ट किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट की थी। कहाँ पे स्टार्ट की थी, पूना में स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी, अप्रैल 1916 में स्टार्ट की थी। एरियाज कौन कौन से थे, महाराष्ट्र का था एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, प्लस कर्नाटका का एरिया था, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार, ये चार चीज़ें जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी के पास थी। यहाँ पे बात करें होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे किया था, अद्यार नियर मद्रास। कब किया था, सितंबर 1916। इनके ल्यूटिनेंट्स, या आप कह सकते हैं कि इनके कुछ पार्टनर्स थे, कौन कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर एंड BP वादिया। अब इनका एरिया क्या था, रेस्ट ऑफ द इंडिया। इनके पास क्या था, महाराष्ट्र था एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटका था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार था। तो इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया ले लिया इनको छोड़ के। नाउ व्हाई टू, अब दो क्यों बनी, एक ही बना लेते, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि दो बनाने की क्या ज़रूरत थी, एक ही बना लेते। टू अवॉइड एनी फिक्शन, कि कोई लड़ाई ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग जो है वो होम रूल लीग्स बनाए। जो एनी बेसेंट जी थी, इनका कहना था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके कुछ फॉलोअर्स मुझे पसंद नहीं करते, मेरे फॉलोअर्स उनको पसंद नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि हम अलग अलग अपना काम चलाएं, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल लीग का, होम रूल लीग तो बन गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, हमें यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, उनका राज नहीं चाहिए। तो ये था मेन एक तो, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा होम रूल लीग का। नाउ हमने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिया कि क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया के लिए हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, स्वराज का क्वेश्चन भी अराइज हो रहा था, और यही कुछ टाइम था जिस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था, दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन्स ऑफ द होम रूल मूवमेंट, कि इसके ऑर्गन्स क्या क्या थे। ऑर्गन्स क्या होता है, कि जिसके थ्रू प्रचार किया जाता था, प्रचार प्रसार किया जाता था। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने कुछ आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स टाइप चलाए थे, जो कि थे महारत्ता एंड केसरी। वैसे ही एनी बेसेंट जी थी, इन्होंने न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ को स्टार्ट किया था। तो इस तरह से इसके थ्रू ये अपना जो होम रूल लीग है इसका प्रचार करते रहते थे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आता है, लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में। अब इसमें हुआ क्या, एक्सट्रीमिस्ट वर वेलकम्ड इनटू INC, INC में फिर से एडमिट कर लिया गया एक्सट्रीमिस्ट को। सूरत स्प्लिट 1907 में दोनों अलग अलग हुए थे, 1916 जो कि लखनऊ सेशन था INC का, वहाँ पे दोनों फिर से जो है एक दूसरे के साथ हो गए। क्वेश्चन ये भी आता है कि उस टाइम पे INC प्रेसिडेंट कौन थे, आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे INC प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अब उसके बाद देखिए थोड़ी सी स्टोरी हमें और पढ़ने के लिए मिलेगी, कि टर्निंग पॉइंट आता है इस टाइम पे, एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट क्या था, देखिए डिसीजन आया जून 1917 में, कि जो मिसेज, व्हेन मिसेज बेसेंट एंड हर एसोसिएट्स वर प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स को जेल में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया, लोग तो बिल्कुल खिलाफ हो गए, क्योंकि इस टाइम पे था क्या कि मिसेस बेसंत जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया, अब सरकार पुलिस भी नहीं झेल पाई इस चीज़ को,
ठीक है। एंड इसी टाइम पे क्या होता है, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, नाइटहुड के टाइटल्स मिलते हैं ना, तो जो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर थे जो कि इनके एसोसिएट थे, उन्होंने उसको अपना रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया अपना टाइटल। अब क्या हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग खुश नहीं हैं, सरकार दबाव हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उनको रिलीज़ करना पड़ा एनी बेसेंट जी को। कब? सितंबर 1917 में। जेल में कब गई थी? जून में, ठीक है। शी वॉज एट द हाइट ऑफ हर पॉपुलैरिटी, इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, आप सोच भी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इतनी पॉपुलर थी दैट शी वॉज इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC इन दिसंबर 1917। वो इतनी ज़्यादा यू नो पॉपुलर हो गई थी कि उनको फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट बना दिया गया, जो कि INC का कलकत्ता सेशन था उसमें दिसंबर 1917 में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। कौन से सेशन में थी? कलकत्ता के सेशन में थी। कौन से साल में थी? 1917 में थी। बट बाद में होता क्या है, लेटर फेडेड अवे, जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ना, ये फेड अवे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको इंग्लैंड जाना पड़ा, वहाँ पे एक केस था, उस केस को परस्यू करने के लिए, कोई इंडियन अनरेस्ट का केस था इन किसके ऑथर का, तो वहाँ जाना पड़ा, फिर मूवमेंट थोड़ा जो है ढीला पड़ गया। उसके बाद बात करें एनी बेसेंट जी को, तो वो एक अच्छी लीडरशिप नहीं दे पाई क्योंकि वो अकेली हो गई थी, अच्छे से संभाल नहीं पाई। अब जब तिलक जी इंग्लैंड में थे और यहाँ पे एनी बेसेंट अच्छे से लीडरशिप नहीं दे पा रही थी, पूरा का पूरा जो मूवमेंट था लीडरलेस हो गया और धीरे धीरे ये फेड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स थे जो मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया आपको। एंड इससे पहले हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल से सब कुछ इस तरह से हैंड रिटन नोट से पढ़ाना स्टार्ट किया है। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा, फिर स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे कि उसमें मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स आते हैं, दिल्ली दरबार आता है, गदर पार्टी आती है, कोमागाता मारू इंसिडेंट आता है, इतना सब हमने पढ़ा है थ्रू दीज नोट्स। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों या फिर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।